नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो वाल्मीकि में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुलर का वृक्ष जो होता है उस वृक्ष से परिचित कराऊंगा आप लोगों को, और उसके बहुत ही लाजवाब गजब का औषधि प्रयोग आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखते रहिए वीडियो को। वीडियो की जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें सब्सक्राइब करके। तो चलिए बिना देर किए हुए आप लोग को बताते हैं इस गुलर वृक्ष की बहुत ही दमदार लाजवाब औषधि प्रयोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे हो, ये गुलर का वृक्ष है और इसमें इसके तनों में बहुत सारा फल इकट्ठा गुच्छों में लगा हुआ है। इसी तरह का पेड़ में लगा हुआ होता है इसका फल, बहुत सारा गुच्छा गुच्छा। और इसका फल जो है अंजीर के फलों से मिलता जुलता है, अंजीर के फल के समान ही दिखाई देता है, मगर अंजीर का फल ज़्यादा मीठा होता है इस फल के मुकाबले। गुलर के तनों से दूध भी निकलता है और इसके पत्तों को भी तोड़ने से दूध निकलता है, जो कि फोड़ा फुंसी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, बवासीर के लिए फायदेमंद होता है। और इसके दूध को अगर आप चाहो तो प्रयोग करके देख सकते हो। अगर किसी को पागल कुत्ता काटता है तो इस गुलर के दूध को एक दो बूंद चटाते रहने से दिन में दो तीन बार पागल कुत्ते के काटने का विष का असर नहीं होता है। यह बहुत ही गजब का औषधि प्रयोग है, आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। इसके पत्ते में भी बहुत ही गजब के औषधि गुण पाए जाते हैं और इसके बहुत सारे पत्तों में गांठ वाली पत्ते भी होते हैं। वह गांठ वाली पत्ता मामूली नहीं होता है। इस गांठ वाले पत्ते का चटनी बना करके, पेस्ट बना करके यदि आप अपने चेहरे पे लेप करते हो, रात भर लेप करके देखो, सुबह आपको चेहरा बहुत ही साफ, बेदाग और निखरा हुआ नजर आएगा। इस तरह से आपको लगातार एक सप्ताह प्रयोग करना है, आपका चेहरा बिल्कुल कील, मुहासे, पिंपल, हर चीज आपके चेहरे से गायब हो जाएगा और आपका चेहरा एकदम बेदाग, साफ सुथरा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, यह हर प्रकार के चर्म रोग को भी मिटाता है, सोरासिस, एक्जिमा, फोड़ा फुंसी, हर किसी के लिए यह गांठ वाली पत्ता बहुत ही रामबाण अचूक औषधि है। और इन्हीं पत्तों का रस निकाल करके यदि लिकोरिया की समस्या वाली महिलाओं को पिलाया जाए तो उनकी लिकोरिया समाप्त हो जाती है। और इन्हीं पत्तों का रस यदि किसी जहरीला पदार्थ को खा लेने के बाद पिलाया जाए तो वह जहरीला पदार्थ का असर भी असर हो जाता है। यानी आप कोई भी जहर खा लेते हो गलती से या फिर कोई खिला देता है, तो आप इस गुलर के पत्तों को याद रखिए, इसके पत्तों का रस निकाल लीजिए और इसके पत्ते का रस दो तीन चम्मच निकाल कर पी लीजिए। इससे आपका वह जहर कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि पच जाएगा और पूरी तरह से पचने के बाद आपको कुछ भी जहर का दुष्परिणाम नहीं मिलेगा। इतना पावरफुल, ज़बरदस्त ताकत होता है इस गुलर के पत्तों के रस में। अब मैं आप लोगों को इसके फलों के फायदे के बारे में बता देता हूं। वैसे इस गुलर के बहुत सारे फायदे हैं, अगर मैं एक ही वीडियो में बताता रहूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को जो गिना चुना इस वीडियो में बताने के लिए सोचा हूं उसी जानकारी को आप लोग को बता रहा हूं। क्योंकि इस गुलर वृक्ष का जानकारी एक ही वीडियो में बताना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए आप जितना जानकारी इस वीडियो में मिल रहा है उसको समझ लीजिए अच्छे से। इसका और भी वीडियो आती रहेगी, हर एक वीडियो में आपको कुछ नया नया जानकारी मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके फलों का एक बहुत ही जो स्पेशल तरीका है, फार्मूला है, औषधि प्रयोग है, उस प्रयोग को आप लोग को बता देता हूं, जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है और अपने गृहस्थ जीवन में हमेशा सुखमय जीवन बिता सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका प्रयोग करने के बाद वह अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से चला सकता है, अपनी बीवी को हमेशा खुश रख सकता है, बीवी को ही नहीं हर किसी को। इतना पावरफुल, ज़बरदस्त असर करता है यह गुलर का जो फल होता है। यह सिर्फ फल ही नहीं है, यह मान के चलो हर मर्द के लिए अमृत है। अगर आप इसकी अमृत वाली फ़ायदा लेना चाहते हो, इसकी गुणवत्ता जानना चाहते हो, तो एक बार जीवन में इसका ट्राई करके देखो, उपयोग करके देखो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इस गुलर वृक्ष के पके फलों को इकट्ठा कर लीजिए, इकट्ठा करने के बाद आप उसे छाया में या फिर हल्के धूप में सुखा करके उसे पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने के बाद आप इसमें सतावर, अश्वगंधा, बिदारी कंद, सफ़ेद मूसली, इन चारों चीज़ों को भी बराबर मात्रा में मिला लें। और बराबर मात्रा में मिलाने के बाद मिश्री का पाउडर भी इसमें बराबर मात्रा में मिला लें। अब इन सब को एक साथ एक डिब्बे में रख लें। चाहे तो आप 5-5 ग्राम की गोली बना सकते हो, यदि ना चाहें तो 5 ग्राम का पाउडर एक चम्मच ले करके रोज़ाना दूध के साथ या फिर शहद के साथ खा सकते हो।
इस तरह से सेवन करने पर दोस्तों कभी भी जिंदगी में आपकी कोई निराशा, कोई कमजोरी, कोई थकान, कोई बुढ़ापा वाली समस्या नहीं आएगी। ना स्वप्न दोष होगा, ना शीघ्र पतन होगा, ना नपुंसकता होगी, ना धातु क्षीणता की समस्या होगी। जितने भी मेरे भाई बंधु जो हैं वे लोग इस तरह से प्रयोग करके देख सकते हैं, उनको कभी भी कोई कमजोरी ताकत की कमी होगी ही नहीं। उनके कमर में जोड़ में कभी दर्द नहीं होगा। इतना ज़बरदस्त औषधि होता है यह गुलर का फल। हर प्रकार की जो खोई हुई शक्ति होती है उसे वापस लौटा के रख देता है। एक प्रकार से यह गुलर का वृक्ष भगवान का हम मर्दों के लिए खास आशीर्वाद होता है। तो एक बार और सुन लीजिए, इस गुलर वृक्ष को सुखा करके पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद आप इसमें बिदारी कंद का पाउडर और सफ़ेद मूसली का पाउडर, अश्वगंधा का पाउडर और शतावरी का पाउडर बराबर मात्रा में मिला लीजिए। ये सभी पंसारी के यहाँ से मेडिकल स्टोर की दवाई दुकान से मिल जाएगी। और उसके बाद आपको बराबर मात्रा में मिश्री मिलानी है। मिश्री मिलाने के बाद आप इसको किसी अच्छे से डिब्बे में रख सकते हो। रखने के बाद 5 ग्राम की मात्रा में एक एक चम्मच सुबह शाम भोजन के बाद आप सेवन कर सकते हो, दूध या शहद के साथ। नियमित रूप से अगर लगातार सेवन करते हो, 15 महीना दिन भी सेवन कर लेते हो, तो आपको पूरे वर्ष भर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ना आपकी शक्ति कम होगी, ना आपको कभी कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों ये गुलर की जानकारी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल में इसी तरह की दमदार औषधि प्रयोग जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी औषधि वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।